अस्सलामु अलैकुम। आप रे जुनून की पिछली एपिसोड में देखा कि शबरेज के साथ क्या होता है, उसके घर वाले उसके साथ क्या करते हैं और मेहर के घर वाले उसके साथ क्या करते हैं, और जब वो जेल से छूटकर वापस आता है तो उसके बाद शबरेज क्या करता है और अगली एपिसोड में क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को। तो शबरेज मेहर के वालिद के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मैं शादी मेहर से ही करूंगा और मैं मेहर का उस वक्त तक इंतज़ार करूंगा जब तक कि वो मेरी ना हो सके। तो मेहर का वालिद कहता है कि मैं ऐसा वक्त कभी भी नहीं आने दूंगा कि मेहर तुमसे खुद शादी करेगी। तो शबरेज चला जाता है और मेहर के पास जा कर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो बार बार पूछने के बाद मेहर कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इधर शबरेज की मंगेतर आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम हो के किसी और दो टक्के की लड़की के पीछे भाग रहे हो। मुझे इतने दिन इतने साल हो गए आपका इंतज़ार करते हुए, तो मैं शादी तुमसे ही करूँगी। तो शबरेज यहाँ से चला जाता है और मेहर के शादी में जाता है और वहाँ जाकर हंगामा शुरू कर देता है और मेहर के होने वाले शौहर को मारना पीटना शुरू कर देता है। तो इस तरह हमारी अगली एपिसोड तो कुछ होने वाली है। तो इस तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।